श्रम विभाग की निष्क्रिय कार्य प्रणाली के चलते रेवाड़ी जिले के औद्योगिक कस्बा बावल में कंपनी प्रबंधन की मनमानी थमने का नाम नहीं ले रही है और इन कंपनियों में कार्य कर रहे श्रमिकों को लगातार प्रबंधकों की मनमानी का शिकार होना पड़ रहा है। यह हम नहीं कह रहे बल्कि यह कहना है कंपनी के बाहर पिछले 3 दिनों से धरना दे रहे इन श्रमिकों का। कंपनी में 3.5 साल से कार्यरत हूँ और मैं डाई मेंटेनेंस टूल रूम में बेल्डर पद पे हूँ और मेरे को इस कंपनी के अंदर करीबन 3.5 साल होने के बाद में मैंने हमारे एचआर मैनेजर भूपेंद्र सिंह जी उनसे भी बात करी कि हमारे साथ में सर हमारे एचओडी मिस्टर मनोज कुमार जी बहुत ही अत्याचार कर रहे हैं, गाली गलौज से बातचीत करते हैं और हमारी शिफ्ट वगैरह मतलब जिस शेड्यूल के हिसाब से लगानी चाहिए वैसे नहीं लगाते हैं। संडे को बगैर पूछे हमारा ओवर टाइम लगा देते हैं। ये नहीं पूछते हैं कि भाई अगले बंदे को काम है नहीं है, घर में क्या प्रॉब्लम है, कुछ नहीं पूछते। कल तेरे को आना है, आना है, चाहे तू मर रहा हो चाहे तेरे घर में माँ बाप के कोई प्रॉब्लम हो, तुझे आना है तो आना है। जिन साथियों को कुछ नहीं बताया, हमारे जो साथीगण बाहर बैठे हैं जिनमें परमानेंट भी हैं और ट्रेनिंग बेस पे भी हैं, तो परमानेंट बेस पे जो हमारे साथी हैं उनको कोई लेटर नहीं दिया गया है। 2 बंदों को लेटर दे के सस्पेंशन ऑर्डर दे के बाहर निकाला है। बाकी हमारे जो साथी हैं ट्रेनिंग जिनको 2-2.5 साल 3-3 साल हो गए उनको ना तो कोई लेटर दिया गया है ना कुछ आगे की कागज कार्रवाई के हिसाब से बाहर निकाला है। जी हाँ, दिल्ली जयपुर हाईवे स्थित रॉकमैन इंडस्ट्रीज लिमिटेड के ये श्रमिक पिछले कई सालों से कंपनी में काम कर रहे हैं लेकिन प्रबंधकों की मनमानी के चलते हाल ही में आधा दर्जन से अधिक श्रमिकों को बिना कोई कारण बताए कंपनी से बाहर कर दिया गया। श्रमिकों का आरोप है कि कंपनी अधिकारियों द्वारा उन्हें न केवल प्रताड़ित किया जाता है बल्कि उन्हें सुरक्षा के साधन तक मुहैया नहीं कराए जाते। हालांकि इसे लेकर श्रम अधिकारियों से भी गुहार लगा चुके हैं लेकिन आज तक किसी ने भी उनकी समस्या को दूर करने की जहमत नहीं उठाई। यही कारण है कि उन्हें मजबूरन यह कदम उठाना पड़ा। मुझे यह है कि हमारे कुछ साथियों को बाहर निकाल दिया गया है जी, तो हम भी आए तो हमें भी नोटिस देने के चक्कर में बाहर निकाल रहे हैं। उस चक्कर में हम सभी एक साथ में मिल करके यहाँ बाहर बैठ गए। हमारी आपसी कोई बातचीत हुई कि भाई हाँ ऐसा होगा तो सभी के साथ में पूरा होगा। कितने कर्मचारी अभी तक बाहर निकाले गए? करीब जी फिलहाल तो हम यहाँ पे 80 आदमी बैठे हैं। वैसे बता रहे हैं कंपनी वाले 6-7 आदमी को बाहर निकाल रखा है। बाहर निकाल दिया जी, क्या वजह रही कि बाहर निकाल दिया गया? अभी शोषण हो रहा जी अंदर, हमारे साथियों को जबरदस्ती अंदर घोटा जा रहा है, ऊपर सुलाया जा रहा है, दिन रात उनसे काम कराया जा रहा है। ना कोई बढ़िया खाना मिलता है, ना कोई पहनने को ढंग से जूते मिलते हैं सेफ्टी के लिए, ऐसे ही टेम्परेरी शूज दे रखे हैं। एक एक ड्रेस देते हैं पूरे सेमेस्टर के लिए, एक एक स्वेटर देते हैं। बोलते हैं कि बाहर आकर से दोबारा से अगर ये 2 डबल देंगे तो तुम लोग इसका गलत उपयोग करोगे किसी साथी को, किसी भाई को, किसी गरीब आदमी को। कंपनी के अधिकारी बातचीत तो हुई थी, उन्होंने 10 दिन का टाइम मांगा था। बोले कि 10 दिन बाद हम आप लोगों से रूबरू होकर के सारा काम जो भी तुम्हारी मांगे हैं उनको पूरा करेंगे। तो इन लोगों ने उसका उल्टा करना शुरू करा, जो परमानेंट साथी थे उनको रेजिग्नेशन लेटर देकर के बाहर निकाल दिया। अभी कब से बैठे? 4 रोज हो गई, मंगलवार से बैठे। वहीं जब इसे लेकर कंपनी अधिकारियों से बात करनी चाहिए तो कोई भी कैमरे पर आने को तैयार नहीं हुआ। सत्येंद्र, यहाँ ये लोग धरने में बैठे हैं, आप भी आए हो यहाँ, क्या मामला है? साथियों का फोन आया था कि हमारे साथ यहाँ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। इन्होंने समस्या तो पहले भी बताई थी लेकिन उस टाइम 6 महीने पहले साथियों ने बताई थी, राकेश नाम का साथी था। उसके पश्चात अब पिछले 3 दिन से ये साथी यहाँ पे धरने पे बैठे हैं। उन्होंने बताया कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमें कंपनी से बाहर निकाला जा रहा है। और अंदर अभी साथियों के पास मैसेज आ रहे हैं, अंदर 24 घंटे ड्यूटी करवाई जा रही है। अभी पता चला है कि एक साथी की रात को उंगली भी कटी है। तो हम ऐसा अन्याय बिल्कुल साथियों के साथ नहीं होने देंगे। ये साथी अपने आप को अकेला ना समझे, पूरे छात्र संगठन इनसो इनेलो इकाई इन साथियों के साथ खड़ी हुई है। ऐसे में सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि कंपनी अधिकारियों व जिला प्रशासन को श्रमिकों की समस्या से कितना सरोकार रह गया है।